पर कुछ लोग जो जो प्रशासनिक गद्दियों में बैठे हुए हैं वो जो भेदभाव कर रहे हैं उनको चेताने का ये कार्य कर रहे हैं। शिक्षा से जरूर हमें रोजगार मिलेगा, ये सत्य है, शिक्षा ही हमारा जीवन है, शिक्षा से बढ़ेंगे। मंदिर के अंदर हमारे माननीय राष्ट्रपति जी को जाने से रोका, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। इतने सर्वोच्च पद पे होते हुए और उनके साथ ऐसी घटना घटी तो ये बहुत निंदनीय हुआ और उन्होंने तुरंत उसमें जो है कार्रवाई करनी चाहिए थी, अपना एक्शन लेना चाहिए था। और जो उद्योगपति हैं आज उनके घर ना भर के वोटरों को भी हक मिलना चाहिए। नमस्कार, मैं नूर जौहर, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर पे। तो यहाँ पे आप पोस्टर देख पा रहे हो कि अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा द्वारा ये जो धरना प्रदर्शन करवाया जा रहा है, जिस तरीके से जो है बटेश्वर धाम में 200 मंदिर है वहाँ पे जो मंदिरों पे जो हो रहा है कि खंडर हो जा रहा है वहाँ पे, ऐतिहासिक रूप से ये बहुत ही प्रसिद्ध है। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। सर क्या कहेंगे जो आप ये लोग सर क्या कहेंगे जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आप? धरना प्रदर्शन आज जंतर मंतर बटेश्वर की जो 200 मंदिरों की श्रृंखला है उस श्रृंखला को दोबारा पुनर्जीवित करा जाए उसके विषय में यहाँ पे धरना प्रदर्शन करा है। सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति जी से ये मांग को जो है हमने मांग रखी है। सर अब मंदिर के लिए आप इतना प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी आपने स्कूल कॉलेजेस के लिए करा है धरना प्रदर्शन? स्कूल कॉलेजों के लिए समय समय पर जहाँ पर इस चीज़ों की ज़रूरत है उसके लिए भी धरना प्रदर्शन करते हैं और काम भी करते हैं। अब समय था क्योंकि ये हिस्ट्री के विषय से कुछ जुड़ा हुआ है, जो ये धरोहर है ये हिस्ट्री से जुड़ी हुई है और ये हिस्ट्री हमारे पेजों से गायब कर रखी है, तो इसको सच्चाई को सामने लाने के लिए प्रदर्शन हुआ है। तो आपको लग रहा है मतलब मंदिर जो आप बनवा रहे हैं उससे देश आगे बढ़ेगा या स्कूल और कॉलेजेस के लिए आप इतना आगे करेंगे उससे देश आगे बढ़ेगा? वो एक आस्था का विषय है और शिक्षा का क्षेत्र में हम जितने आगे जाएंगे हर चीज़ आएंगे बढ़ेंगी, पर कुछ लोग जो जो प्रशासनिक गद्दियों में बैठे हुए हैं वो जो भेदभाव कर रहे हैं उनको चेताने का ये कार्य कर रहे हैं। किस तरीके का भेदभाव कर रहे हैं? ये इसी तरीके का भेदभाव, जैसे कि आज हिस्ट्री है, हिस्ट्री को सही तरीके से पेश ना करना, उसमें तोड़ फोड़ के दूसरे लोगों को जोड़ना, सर्व समाज सभी समाज का हक है। जिन समय समय पर उस समय जिन राजाओं ने ये चीज़ें बनाई थी तो उनको भी दर्शाने का काम करें। तो सर आप क्या कहेंगे जिस तरीके से मतलब जो बीजेपी सरकार है वो राम मंदिर बना रही है, राम मंदिर का भी उद्घाटन भी होने वाला है अयोध्या में, तो वहीं दूसरी तरफ ये जो 200 मंदिर है, ऐतिहासिक रूप से 200 मंदिर है और मतलब बहुत प्रसिद्ध है, उस पर क्यों नहीं ध्यान दे रही है? नहीं, जो ये सरकार उस तरफ नज़र नहीं पड़ी, तो जो सरकार के अंदर कोई नुमाइंदे बैठे हैं उनकी नज़र नहीं पड़ी, हमने कोशिश कर रही है। फिर जो पुरातत्व विभाग के पहले डायरेक्टर रहे थे के मोहम्मद जी, जिनके माध्यम से 80 मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ है, 120 का उन्होंने प्रयास कराया है, पर कुछ सीटों पे ऐसे लोग बैठे हुए हैं कि दूसरे समाज जिन समाज ने उस समाज में काम हुआ है तो उसको दर्शाने का ना काम करके, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा से ज़रूर हमें रोजगार मिलेगा, ये सत्य है, शिक्षा ही हमारा जीवन है, शिक्षा से बढ़ेंगे, पर वहाँ पर पूर्ण जीवन होने से, ये एक राष्ट्रीय धरोहर होने से, वहाँ के हजारों लोगों को, एक पर्यटक स्थल बनने से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, ये हमारी मांग है। पर्यटक स्थल बनने से हजार लोगों को कैसे रोजगार मिलेगा? क्योंकि वहाँ पर जो बाजार बनेंगे, कुछ होटल बनेंगे, कुछ रेस्टोरेंट बनेंगे और जहाँ आने जाने की सुविधा की, तो लोकल क्षेत्र के लोग जो होंगे सब उसमें अपनी अच्छी अच्छी प्रदर्शनी लगा के, अपने हैंडीक्राफ्ट वगैरह लगा के, जो बाहर से विदेशों से भी आएंगे तो उनकी रोजी रोटी चलेगी उससे। जैसे कि जो द्रौपदी मुर्मू जी का मैं दोबारा क्वेश्चन पूछना चाहूँगी आपसे कि वही उनको मंदिरों में जाने से मना कर दियो कि वो आदिवासी समाज से आती हैं, तो ये मतलब जाति को लेके आपको नहीं लग रहा है किस तरीके? नहीं, ये जाति वाली जो बात है और जो इस तरीके की मंदिर के अंदर हमारे माननीय राष्ट्रपति जी को जाने से रोका, इसकी हम घोर निंदा करते हैं और हम इस चीज़ में भी कहते हैं कि इसमें राष्ट्रपति जी भी कहीं कोई बैठे हुए नहीं, उसी समय इतने सर्वोच्च पद पे होते हुए और उनके साथ ऐसी घटना घटी तो ये बहुत निंदनीय हुआ और उन्होंने तुरंत उसमें जो है कार्रवाई करनी चाहिए थी, अपना एक्शन लेना चाहिए था, वो भी कहीं ना कहीं किसी चीज़ में बंधी हुई है, उनकी जगह कोई हम होते किसी होते तो हम तुरंत एक्शन लेके उस कार्य को करते। जिस तरीके से
तरफ जातिवाद की घोर निंदा कर रहे हैं, वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो बिहार में जातिवाद मतलब जातीय जनगणना कराई जा रही है, लोगों को जातियों में बांटने का काम नहीं हो रहा है? नहीं, ये जातिगत गणना जो हो रही है इसमें कोई जातियों को बांटने का काम नहीं है, ये बिल्कुल सही कार्य है, क्योंकि जिसकी जितनी संख्या उसको उतना ही हक मिलना चाहिए। अब तक हमारे यहाँ पर इस देश के अंदर पिछले 77 वर्षों में वो कार्य नहीं हो रहा। कुछ जातियाँ हैं जिनकी परसेंटेज 2-3% है, कुछ इस तरीके की हैं जो 8-10% के अंदर सिमट जाती हैं, वो पूरे 90% का हक खा रही हैं। तो ये विशेष अच्छा कार्य हो रहा है, जाति का जनगणना भी हो और लोगों को अपना हमारा हक मिलना चाहिए। तो आपको ये नहीं लगता मतलब जाति जनगणना से अच्छा हम आर्थिक तौर पर अगर करें ये जनगणना तो ज्यादा फायदा होगा लोगों को? नहीं, जाति के हिसाब से वो सीटें उनको मिले और आर्थिक में काम होना चाहिए, पर ये हमारी जो सरकारें इन चीजों में करती नहीं तो इस देश को हर वोटर का भी हक हो और जो उद्योगपति हैं आज उनके घर ना भर के वोटरों को भी हक मिलना चाहिए। सर आप क्या देख रहे हैं फिर 2024 में, आप किसको देख रहे हैं? नहीं, 2024 में ये तो जनता है, जिसको जहां अपना उसमें मुहिम जाएगा, जिस क्षेत्र में जाएंगे उस तरीके से कार्य होंगे, जिसको जहां अच्छा वो लगेगा। अभी 2024 का कोई निर्णय कहीं किसी का पब्लिक का कोई मन नहीं है। लेकिन आप जातीय जनगणना का साथ दे रहे हैं तो नहीं, जो कार्य अच्छे हो रहे हैं उसे कोई भी पार्टी करा रही है, कोई भी लोग करा रहे हैं, अब उसका साथ देंगे जो अच्छे काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से आपने देखा ये बता रहे हैं कि जातीय जनगणना कराना भी सही है, लेकिन वही दूसरी तरफ जो है जो ये मंदिर के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, 200 मंदिर के लिए जो आवाज़ उठा रहे हैं, तो उसी को लेकर हमने इनकी पूरी बातचीत करी। तो इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। कैमरामैन आशीष के साथ जनहित अवार।